इनका नाम है एडा कॉलेमन, एडा कॉलेमन। व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं वीडियोस बनाने जा रहा हूँ बारटेंडर के ऊपर, कि असल में बारटेंडर का मतलब काम क्या होता है, बारटेंडर क्या है। एक्चुअली सम मेरे फ्रेंड्स हैं जो वो कुछ होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे ही 10th 12th कंप्लीट करके बैठे हुए हैं। सो वो पूछ रहे थे कि मैं बारटेंडिंग करने जा रहा हूँ, तो मुझे बारटेंडिंग करनी चाहिए, बट बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है बारटेंडिंग, बारटेंडर क्या है वो। आई नो इंडिया में और बाहर में तो बात ही हटा दो, इंडिया में भी आज बहुत फेमस हो रहा है बारटेंडिंग। पहले इतना नहीं था, बट अभी इतना बारटेंडिंग फेमस हो चुका है कि मतलब आपको, आप बॉम्बे, पुणे, दिल्ली जैसे शहर में चले जाओगे ना, तो बारटेंडर्स के मतलब वो बोलते हैं ना, बंडल्स मिल जाएंगे आपको, तो वैसे मिल। तो बारटेंडर्स क्या है, बारटेंडर का काम क्या होता है, बारटेंडर्स का जो जर्नी है कहाँ से स्टार्ट हुआ। सो बारटेंडर, बार टेंडर यानी इससे आप समझ सकते हो कि उस इंसान को बार में कुछ करना होगा या फिर बार किससे रिलेटेड कुछ है, यही ना। सो बारटेंडर एक मतलब, जैसे आप खाना बनाने वाले शेफ को तो देखा ही होगा, होटल इंडस्ट्री में आप जा रहे हो तो शेफ का काम क्या होता है, खाना बनाना, उनको बोलते हैं हम लोग शेफ। उसी तरह बारटेंडर्स को भी एक तरह से कहा जाता है लिक्विड शेफ। लिक्विड शेफ ऐसा नहीं है सिर्फ बारटेंडर का, अगर सिर्फ बारटेंडर से आप अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो मार्केट्स में नहीं, बहुत जगहों पे कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं जो यूज़ अभी नहीं हो रहे हैं, बट पहले से ही इनका इतना सारा नाम है, इतना सारा चीज़ों का तरह उनको बुलाया जाता है कि आप कन्फ्यूज़ हो सकते हो बाई चांस, बट इनका उतना ज़्यादा नाम भी नहीं था पहले से, पहले के अलावा। पहले टाइम में जब स्टार्ट हुआ था तो बहुत लोग इनको बहुत अलग अलग नाम से बुलाते थे, जैसे कि बारटेंडर का और एक नाम हो सकता है, जैसे कि मेरे पास, मैंने ये लिख के रखा है सारा का सारा, तो मैं, हाँ, तो बारटेंडर, बारटेंडर और भी बहुत सारे नामों से जाने जा सकते हैं, जैसे कि बारकीपर, बारमैन, बारमेड, बार शेफ एंड टेप्स्टर, मिक्सोलॉजिस्ट, एल्कोहल सर्वर, कॉक्टोलॉजिस्ट एंड फ्लेयरमैन एंड एल्कोहल शिफ्ट। सो इन सब नामों से भी लोग वहाँ पे बुलाए जाते हैं, जो फीमेल्स होती हैं उनको बारमेड या फिर बारटेंडर्स ही बोलते हैं, बट पहले का टाइम में बारमेड्स बोले जाते थे, अभी भी बहुत जगहों पे बोले जाते हैं, ऐसा ही है उनका बारटेंडर का। सो बारटेंडर का काम क्या होता है, उनको करना क्या होता है, तो असल में बारटेंडर्स को काम क्या होता है, बारटेंडर्स बार में आपको जाते हैं, आप बार में अगर जाओगे ना तो वहाँ पे बिहाइंड दी बार आपको बारटेंडर्स खड़े मिलेंगे, एक बंदा खड़ा मिलेगा बार के पीछे जो आपको अल्कोहल, नॉन अल्कोहल यानी जूस, सॉफ्ट ड्रिंक्स ये आपको एक ग्लास में डाल के देता होगा, और कुछ अल्कोहल्स भी आपको अगर चाहिए होगा तो वो सर्व करता होगा। ऐसा है बारटेंडर्स का ये काम है कि बारटेंडर्स नॉन अल्कोहलिक और अल्कोहलिक ड्रिंक्स सर्व करते हैं गेस्ट को, इसीलिए उनको अल्कोहल सर्वर भी बोला जाता है। सेकेंड थिंग, बारटेंडर्स को अपना बार में क्या क्या सप्लाईज चाहिए, स्ट्रॉ, पेपर्स, अल्कोहल और भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें होते हैं, जैसे इनको ग्लासेस का स्टॉक्स या फिर बहुत सारे ऐसे चीज़ें होते हैं जो उनको बार पे चाहिए होती है, तो उनको वो चीज़ मेंटेन करना पड़ता है कि उनको क्या चाहिए नहीं चाहिए, सारा चीज़ का उनको ध्यान रखना पड़ता है बारटेंडर्स को, कि उनको क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, उनको क्या शुगर चाहिए, उनको क्या मिंट्स चाहिए, फ्रूट्स चाहिए गार्निशेस के लिए, या फिर उनको पेपर सप्लाईज चाहिए, और बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं जो उनको बार में ज़रूरत पड़ती है, तो उनको चाहिए होता है, तो वो उनका भी ध्यान रखते हैं बारटेंडर्स। उसके बाद भी बारटेंडर्स का काम होता है एंड में, जैसे कि आपने बार पे अल्कोहल सेल किया, सर्व किया अल्कोहल, आपका सेलिंग हो गया, एंड ऑफ द नाइट पे आपको रात को जब बार ख़त्म होता है, तो जब क्लोजिंग होता है तो आपको अल्कोहल का इन्वेंट्री पूरा लेना पड़ता है। इन्वेंट्री के बारे में मैं एक अलग से पूरा वीडियोस बना दूंगा, बट इन्वेंट्री में बेसिकली बता देता हूँ क्या होता है। इन्वेंट्री का मतलब हुआ कि जैसे कि अल्कोहल्स आपका मान लो एक बॉटल में 750 ml बॉटल, इसमें 750 ml का एक बॉटल है, ठीक है, तो 750 ml का बॉटल है और उसमें से मान लो आपका 10 पैक सेल हो गया, 10 पैक सेल हो गया, तो एक 750 ml बॉटल में टोटल 12.5 ml का वो, सॉरी 12.5 पैक्स का ये होता है अल्कोहल होता है, तो उसमें हम 10 पैक्स अगर सेल हो जाता है तो हमारे पास कितना बचा,
12.5, ये एक बार बुक होता है अपना, एक बार इन्वेंट्री बुक होता है, उसमें हम लोग डेली का डेली रिटर्न करते हैं कि उसमें इतना अल्कोहल बचा, आज इतना अल्कोहल सेल हुआ, ओपनिंग में मैंने इतना अल्कोहल लिया, क्लोजिंग में इतना अल्कोहल लिया, तो ये ऐसे काउंट होता है, वो होता है बार इन्वेंट्री। और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप बार में जाओगे तो सीखोगे। तो ये तो हो गया बार के बारे में कि बार्टेंडर्स क्या होते हैं और बार्टेंडर्स का काम क्या होता है। छोटा बहुत मैंने जो थोड़ा सा एक रिव्यू दे दिया छोटा सा कि आप बार्टेंडर्स बेसिकली क्या करते हैं। सो सेकंड पार्ट आता है हिस्ट्री के बारे में। तो हिस्ट्री मुझे उतना भी ज़्यादा पता नहीं है, जो भी मैं बोल रहा हूँ सुना सुनाया बोल रहा हूँ, अगर कुछ गलती हो जाता है तो भाई माफ़ करना मुझे। तो असल में स्टार्ट हुआ था बारटेंडिंग आपका 19th सेंचुरी में, जब मिस्टर जेरी थॉमस, प्रोफेसर जेरी थॉमस ने आपका एक प्रोफेशनली एक बारटेंडर का मिक्सिंग बताया था, मिक्स करके कॉकटेल्स बना के दिखाया था कि ये एक तरह का एक कॉकटेल हो सकता है। उस टाइम पे एक प्रोफेशनली बारटेंडर्स के बारे में कुछ स्टार्ट हुआ था। तब सर का नाम क्या था, सर हैरी, हैरी जॉनसन, सर हैरी जॉनसन, इन्होंने फर्स्ट टाइम बारटेंडिंग एजेंसी खोला था, जो कि बारटेंडिंग स्कूल भी आप उनको कह सकते हो, जो प्रोफेशनली बारटेंडर्स को पढ़ाते थे, और या फिर उनके लिए एजेंसी खोला था जिनको बारटेंडर्स के बारे में बताया जाता था। तो उन्होंने फर्स्ट टाइम हैरी जॉनसन सर ने स्टार्ट किया था, तभी वो बारटेंडर्स के लेके बाकी 12 मिक्सिंग कॉकटेल मेकिंग और बाकी सब स्टार्ट हुआ। तो वहाँ से जेरी थॉमस ने फर्स्ट टाइम, मुझे जहाँ तक पता है, एक सिजरैक बोल के कॉकटेल है, सिजरैक उन्होंने वहाँ पे स्टार्ट किया था, जो कि अभी का डेट में शायद बहुत बड़ा कंपनी है, सिजरैक कंपनी जो कि बहुत फेमस है। सो ये कॉकटेल उन्होंने इन्वेंट किया था, जहाँ से क्लासिक से सेंचुरी, देन फिर 19th सेंचुरी के बाद 20th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ अपना ये जो बारटेंडिंग, जो जेरी थॉमस और बाकी लोगों ने मिलकर स्टार्ट किया था, जो मिक्सिंग स्टार्ट हो गया था वहाँ से। सो उन्होंने जो स्टार्ट किया 20th सेंचुरी में जाके, वो बहुत धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो गया, मतलब ठीक अगले सेंचुरीज में स्टार्ट होना स्टार्ट हुआ, जिसमें बहुत सारी फीमेल्स भी ऐड होने लगी, जो बारटेंडर्स में, बारटेंडिंग लाइन में इंटरेस्ट लेने लगे, जो कि अपना जो खर्च है, अपना काम करने का जो तरीका है स्टार्ट कर दिया, कि फीमेल्स काम करना बहुत ज़्यादा स्टार्ट कर दी वहाँ से बार लाइन्स में। फिर वहाँ से 20th सेंचुरी में स्टार्ट किया, जैसे कि एग्जाम्पल में आप ले सकते हो मिस, इनका नाम है एडा कॉलेमन, एडा कॉलेमन, सो मैं सही से नाम ले पा रहा हूँ कि नहीं मुझे पता नहीं। सो मैम का नाम था एडा कॉलेमन, जो कि बारमेड थी, जो कि उस टाइम में बहुत फेमस थी एक कॉकटेल मेकिंग और एक बारमेड की तरह। सो ये एक कहानी था छोटा सा जो मुझे पता था, थोड़ा बहुत तो मैंने जो बता दिया है। सो अगर कुछ गलत हो गया तो आई एम सॉरी। तो ये है एक बारटेंडर का कहानी, जो बारटेंडिंग स्टार्ट हुआ था। असल में कुछ लोग सोचते हैं कि बारटेंडर यानी बार में काम करता होगा, यानी कि होटल में काम करता होगा, बार में काम करता होगा, प्लेट उठाता होगा, या फिर बार में ग्लास धोता होगा, या फिर कुछ करता होगा, या फिर कुछ गलत करता होगा। तो भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। अभी का डेट में बारटेंडिंग लाइफ, मेरे हिसाब से अभी बारटेंडिंग लाइफ जो है एक प्रोफेशनल लाइफ मैं बोल सकता हूँ, या फिर आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, यहाँ से आप अपना करियर बहुत ग्रो कर सकते हो। सो आज के वीडियोस में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मेरा बहुत जल्दी अपलोड हो रहा है, तो मेरा वीडियो सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पे मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, नीचे बेल आइकन में आप जाकर सब्सक्राइब कर सकते हो। मेरा और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, वो भी आप अगर जाकर देखना है तो आप देख सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय टाटा। बस नेक्स्ट वीडियो में मैं अबाउट कोर्सेस की, बारटेंडिंग कोर्सेस में क्या सिखाया जाता है, जॉब्स क्या होते हैं, करना क्या होता है, या फिर करियर क्या है उसमें, या फिर जो कोर्स करते हैं उसका ड्यूरेशन कितना है, यानी कि आपका कोर्स जो है वो कितना टाइम में कंप्लीट हो जाएगा और आप बार में जाके वर्क करना स्टार्ट कर दोगे, उसके ऊपर मैं वीडियोस बनाऊंगा। बाय बाय, सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।